नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़ और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार व्यापारियों के हितों की बात करती है, वहीं उनके ही विभाग के अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करने में बाज नहीं आते हैं। वहीं NH-232 अधिकारियों की लापरवाही से सेमरी चौराहे के सैकड़ों व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने NH विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जम कर किया नारेबाजी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यदि सेमरी चौराहे में बाईपास रोड ना निकला तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सेमरी चौराहे के व्यापारियों ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सांसद सोनिया गांधी समेत विधायक राकेश सिंह व जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल मामला रायबरेली जनपद के सेमरी चौराहा का है, जहाँ उन्नाव से लेकर लालगंज तक रोड चौड़ीकरण होना है। जहाँ सेमरी चौराहे में बाईपास रोड ना बनने से व्यापारियों की रोजी रोटी में संकट छा गया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अचलगंज तकिया बिहार निहस्ता इन जगहों से बाईपास निकला जा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अचलगंज तकिया बिहार निहस्ता इन जगहों से बाईपास निकाला जा रहा है, जबकि सेमरी चौराहे में सैकड़ों के ऊपर व्यापारी अपना व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं NH-232 के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से सेमरी चौराहे के व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर है। कहाँ रहते हैं? ये क्या समस्या, आप लोग जो सैकड़ों संख्या में व्यापारी नारेबाजी रोड पर लगा रहे थे, क्या है पूरा मामला? NH द्वारा रोड के चौड़ीकरण के मामले में जो बार बार से नाप करके चौड़ीकरण बढ़ाया जा रहा है। कौन सी रोड? कानपुर रोड, ये उन्नाव से रायबरेली वाला जो ऊंचा चौड़ीकरण, उसमें NH राजमार्ग जो है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बार बार चौड़ीकरण बढ़ा दे रहे हैं, जिससे सभी व्यापारियों के मकान दुकान सब टूट रहे हैं। सारे व्यापारी बगैर घर के हुए जा रहे हैं और उनको कहीं रोजी रोटी नहीं बच रही, वो बेचारे आत्महत्या पर मजबूर हो गए हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत माननीय राकेश सिंह जी विधायक जी से किया है, नितिन गडकरी जी से किया है और SDM साहब के यहाँ भी किया है और विधायक राकेश सिंह से भी किया है और सांसद सोनिया गांधी के यहाँ भी किया है और नितिन गडकरी यहाँ के भी किया गया है। यदि आप लोगों मांगे नहीं पूरा तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहाँ रहती है? समस्या की आप इतनी जो भीड़ यहाँ पर सेमरी चौराहे में इकट्ठा हुई है, क्या समस्या है? समस्या यह कि हमारा साहब घर न जाए, कहाँ फांसी लगा लिया, तुरंत मर जाओ तो चलेगा हमारा घर। किस उद्देश्य से आप फांसी लगा? तो जब घर का पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो कहा उसर में रह जाए, कहा साहब बताओ।